मेरा सौभाग्य है कि जिनके विचारों से प्रेरणा लेके मैंने अपने जीवन में एक अलग सा छोटा सा काम करने का प्रयास किया, उस प्रयास को लेके आज मेरा यहाँ पे सम्मान हो रहा है और मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। मेरी बातों में अगर कुछ भूल चूक हुई तो कृपया करके बड़ा दिल करके मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं ऐसे लेक्चर देने का ज़्यादा आदि नहीं हूँ। प्रोफेसर साहब का सबका ये वही काम होता है, मुझे वो आदत नहीं, मुझे काम करने की आदत है। मुझे बताया गया है कि पांच राज्यों से यहाँ पे भारी संख्या में आप लोग यहाँ पे पधारे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ कि आप इस बड़े अवसर पे, बहुत इम्पोर्टेंट अवसर है, स्वामी जी विवेकानंद जी का 150वां वर्षगांठ चल रही है, उसमें आप सब लोग यहाँ पे पधारे हैं। और दो दिन मेरे ख्याल से ये सेशन चलने वाला है, तो उसमें आप लोग कुछ लेके जाएंगे और अच्छा कुछ करने का प्रयास करेंगे अपने प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, अपने देश के प्रति। ये सुन के, देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं यहाँ कोई उपदेश या मार्गदर्शन करने के लिए खड़ा नहीं, मार्गदर्शन के मैं इनका मार्गदर्शन लेने के लिए आया हूँ, आपका सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ और आप सबका प्रेम लेने आया हूँ। मार्गदर्शन नहीं करने आया हूँ, लेकिन मेरा स्वानुभव जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि मेरा अनुभव क्या है अपनी ज़िंदगी में, और किस तरह से स्वामी जी के विचारों से प्रेरणा मिली और उससे आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आज जो हमारे बीवी जी परिवार, भारत विकास ग्रुप बोलता हूँ उसको मैं, भारत विकास ग्रुप के लगभग 35,000 लोग हैं, और जो भी मुझे सम्मान मिलता है, जो भी मुझे पारितोषिक मिलता है, वो सबका सम्मान का श्रेय मेरे ये 35,000 परिवारजनों को जाता है, क्योंकि वो काम करते हैं इसलिए मुझे ये सम्मान मिलते रहते हैं। महाराष्ट्र में आपने दही हंडी देखी रहेगी कि वो नीचे एक थर होता है, उसके ऊपर एक थर होता है, उसके ऊपर एक होता है। मैं सबसे ऊपर खड़ा होता हूँ इसलिए लोगों को मैं दिखता हूँ, जो नीचे काम करते वो लोग दिखते नहीं है, लेकिन जो नीचे काम करते वो अच्छे से, मजबूती से, क्वालिटी से काम करते हैं, तभी हम बढ़ रहे और तभी मैं ऊपर दिखता हूँ लोगों को। इसलिए मैं हमारे 35,000 भाई बहनों को भी ये करना चाहूँगा। मेरा गांव महाराष्ट्र में सातारा जिले में रहमतपुर करके है, बचपन में पढ़ाई वहीं पे हुई रहमतपुर में, उसके बाद थोड़ा तेज निकला मैं तो पिताजी ने कहा कि इसको सातारा लेके जाते हैं, तो सातारा में एडमिशन दाखिला ले लिया। वहाँ पे थोड़ा 1-2-3 नंबर में आता था, 4 स्कॉलरशिप मिल गई, तो पिताजी को लगा कि बेटा अपना होशियार है, उसको पुणे लेके जाना चाहिए। तो हमारा मामा किर्लोस्कर में वर्कर था, तो पुणे के बाजू में एक छोटा सा वाड़ी है फुगेवाड़ी करके, वहाँ पे हम रहने के लिए शिफ्ट हो गए। 6ठी कक्षा में मैं पुणे में आ गया और रमण बाग स्कूल जो पुणे में है, जाना माना स्कूल है, वहाँ पे एडमिशन दाखिला ले लिया। रहने के लिए तब पुणे में थोड़ी सी समस्या थी, 8x10 के रूम में हम रहते थे, पिताजी और मैं पलंग के ऊपर, पलंग के नीचे भाई और माँ। दिन गुजरे, 50 पैसे का टिकट रहता था, कभी कभी वो 50 पैसे भी मिलना मुश्किल होता था। माँ मेरी तब ये टीचिंग का काम करती थी, स्टिचिंग का, कपड़े सिलाने का काम करती थी, और कभी कभी मुझे याद अभी भी है, आज करोड़ों रुपए आ गए हैं, लेकिन तब 1 रुपये का जो मूल्य था वो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट था। 1 रुपये नहीं करके परिस्थिति से जूझना पड़ता था, वो तब देखा मैंने। मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते थे, तो साल में 3-4 महीने हॉस्पिटल में गुजरते थे, लेकिन वो भी स्वामी जी को पढ़ते थे और कभी अच्छे लेक्चर अगर रहते तो मुझे लेके जाते थे। प्राचार्य शिवाजीराव भोसले करके एक महाराष्ट्र के बड़े वक्ता थे, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर दिए, और मैं 2-4 बार पिताजी के साथ उनके लेक्चर 7वीं 8वीं में 9वीं में उनके लेक्चर सुनने के लिए जाता था। बहुत ही प्रभावशाली विचार रहते थे कि आत्मविश्वास ही सब कुछ कर सकता है, अगर अपने लिए कुछ करना है तो आप, हम खुद ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं कुछ कर सकता, तो ये आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए। ये तब से मैंने ठान ली कि हमको अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपना आत्मविश्वास बहुत प्रबल होना चाहिए, जो हम सोचे उस तरह से काम होने चाहिए। तो स्वामी जी के मैंने बहुत कुछ किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन जो पढ़ी, हमने मराठी में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने एक लिखा हुआ है
कि एकत्री वो भी अनुभव आवी। बहुत बड़ा बड़ा किताब करके पढ़ के बाद में क्या पढ़ा उससे क्या लिया उससे कोई समझ में नहीं आता है। दो चार लाइन ही जिंदगी में ले लो लेकिन उसको पा जाओ, उसको पी जाओ। तो मैंने ऐसी ही स्वामी जी के दो चार लाइनें सीख ली। महाराष्ट्र से मुझे स्वामी जी ने बताया कि महाराष्ट्र से बहुत सारे लड़के आए हैं, मेरे ख्याल से 1200 से ऊपर, थोड़ा हाथ ऊपर करना, बहुत सारे महाराष्ट्र से हैं। बहुत ही अच्छा। जय, मुझे सही में बहुत खुशी, लेकिन इन्होंने बताया कि अभी मराठी में बोला तो भी चलूंगा, ज्यादा अच्छे से बात कर सकता हूं। अभी आपके बाजू में जो हिंदी भाषिक रहेगा उसको आप थोड़ा समझा दीजिए, मैं विवेकानंद जी का एक कोट सुनाने जा रहा हूं मराठी में, वो बाजू वालों को बाद में समझाइए क्योंकि उसको मुझे हिंदी अनुकरण नहीं आ रहा है ढंग से, तो इसलिए मैंने सोचा कि मराठी कितने लोग वो देख लेते हैं और बात करते हैं। एक कोट विवेकानंद जी का है, जेव्हा दशदिशा निराशेच्या अंधकारांनी भरून गेल्या होत्या, जेव्हा दशदिशा निराशेच्या अंधकारांनी भरून गेल्या होत्या तेव्हा मी म्हणत होतो झुंजा झुंजत पुढे चला। आज दशदिशा किंचित उजळल्या असतील, आज दशदिशा किंचित उजळल्या असतील तेव्हा देखील तोच संदेश आहे, झुंजा झुंजत पुढे चला। थोड़ा हिंदी अनुकरण करता है, करने की कोशिश करता हूँ। जब निराशा का घोर अंधेरा छाया हुआ है तो विवेकानंद जी ने बोला युवकों को, निराशा का घोर अंधेरा छाया हुआ है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि झुंझो झुंझते आगे चलो, लड़ते रहो, लड़ते लड़ते आगे चलो। आज किंचित प्रकाश आया है तो भी मेरा वही संदेश है, लड़ो लड़ते लड़ते आगे चलो। तो मैं उसी रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ, पहले कुछ नहीं था आज बहुत कुछ आया है, लेकिन फिर भी लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। वो कभी मंजिल पे पहुंचने का ये नहीं रख रहा हूँ आगे, ऑलवेज लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट टू, पढ़ाई करते करते सीखते सीखते बड़ों का मार्गदर्शन लेते आगे चलने की कोशिश करता हूँ, चलते चलते जो साथ में उनकी भी तरक्की हो यही कोशिश करता रहता हूँ। तो 10th में अच्छे मार्क मिले, माँ तब तक स्कूल टीचर बन गई थी तो उसके हेडमास्टर ने बोल दिया कि बेटे को अच्छे मार्क मिले तो उसको डिप्लोमा में दाखिले करा दी जाए, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे में एडमिशन ले लिया। 88% मिले थे 10th में, तो सब होशियार लड़के इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, तो मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ले लिया। फर्स्ट ईयर 74% मिले, सेकेंड ईयर 72 मिले, थर्ड ईयर फिर 74 मिले। सेकेंड ईयर में पिताजी का देहांत हो गया और मुसीबतें थोड़ी बढ़ गई, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर थे वो घर में आ गए कि तो माँ को 2300 रुपये की सैलरी रहती थी और मुझे IAS बनना था, तो मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में औरंगाबाद में एडमिशन मिल रहा था। माँ को मैंने बोला कि मुझे IAS बनना है, मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री करनी जरूरी है, तो माँ ने 15,000 रुपये का कर्जा निकाला पुणे म्युनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक से, और घर से 21 किलोमीटर दूर जो कॉलेज डोनेशन नहीं लेता था, उस वक्त वो डोनेशन नहीं लेता था कॉलेज, बाकी सब लेते थे, तो VIT करके कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया और डेली 42 किलोमीटर साइकिलिंग करना चालू कर दिया। विवेकानंद जी के विचार पढ़ता था, अपने आप को मोटिवेटेड रखता था, कुछ लाइफ में अलग करके दिखाना है, कुछ अलग करना है, ये एक जिद ठान ली थी कि कुछ अलग करना है। क्या करना है, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, कुछ मालूम नहीं था, लेकिन कुछ अलग करना है। डिप्लोमा के क्लासेस चालू कर दिए, अपना खुद का फीस कमाने के लिए जैम सॉस की बॉटल की बेचने की एजेंसी ले ली, वो भी चालू कर दिया, छोटे मोटे पेंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट चालू कर दिए, कॉलेज चल रहा था तब तक साथ साथ ये भी इनकम चल रहा था, उस सेकंड ईयर की थर्ड ईयर की बाद में फोर्थ ईयर की फी माँ को कभी नहीं मांगी, अपने आप कमा ली, पूरा खर्चा उठा लिया। और परिस्थिति बहुत नजदीक से देखी कि लाइफ में क्या क्या संकटें आती हैं, कैसे गुजरते हैं, और तब सोचा कि कुछ अलग एक प्रतिष्ठान की स्थापना करेंगे। तो 19 साल का था सर, जब 19 साल का था तब सोचा कि भारत विकास प्रतिष्ठान करके एक स्थापना करेंगे संस्था का, और वो संस्था एजुकेशन में लोगों को हेल्प करेगी,